हेलो स्टूडेंट, दिस इज केमिस्ट सर एंड वेलकम टू केमिस्ट सर केमिस्ट्री। इन स्थितियों में स्टूडेंट को कर दिया जाएगा नीट देने से बैन। अगर ये सिचुएशन रही, ये कंडीशंस रही, तो नीट नहीं दे पाएगा स्टूडेंट, उसको बैन कर दिया जाएगा। कौन सी वो कंडीशंस है, सिचुएशंस है, जी हाँ उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी जानकारी, काउंसलिंग हमें करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। अगर काउंसलिंग नहीं कराई तो क्या साइड इफेक्ट होंगे, और अगर काउंसलिंग करा ली तो कौन से केस में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया जाए कि अगर पहली बात कौन सी सिचुएशन है, ये एनटीए के जो रूल्स चेंज हुए हैं, एनटीए के रूल्स में ये साफ साफ चीजें मेंशन है। कुछ चीजें जो है वो सच्ची है और कुछ चीजें सच्ची नहीं है, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जो आपको बता दिया जाए, पहली बात इन कंडीशंस के अंदर आपको बता दें कि आप नीट देने से बैन कर दिए जाओगे। पहली बात अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया और नीट का एग्जाम देने के बाद उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ध्यान से सुनिए कौन सी शर्तें हैं कौन सी नहीं। नीट की काउंसलिंग में उसने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने तक मान लो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक पहुंचा, लास्ट राउंड तक भी गया और उसको सीट भी आपकी अलॉट हो गई। मतलब उसने कहने का मतलब ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, लास्ट राउंड तक भी चला गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं लास्ट राउंड में सीट मिलती है और इस तरीके से उसको सीट आपकी अलॉट हो गया और उसके बाद उसने वहां पर एडमिशन लिया, नहीं लिया तो उसको एक साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। पहली जानकारी एनटीए के रूल है जो आपको जानने। दूसरी बात आपको बता दिया जाए, अगर आपने नीट के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ये खैर बोल्ड फीस वाला मामला है, अगर किसी आपने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर आप वहां से हट जाते हो, जैसे एग्जाम्पल पहले मैं कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहा हूं, मान लो आपने एमसीसी की वेबसाइट पे गए और एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर के आपने एमबीबीएस में, दूसरी शर्त ये सुन ले, या फिर बीडीएस में आपने काउंसलिंग कराई और वहां पर आपने एडमिशन ले लिया और फिर आप उसको बीच में छोड़ देते हैं, वहां पे भी आप बैन होंगे। आगे चले इसके बाद तीसरी जानकारी, अगर आपने मान लीजिए किसी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, कोई कॉलेज वो कोई सा भी हो सकता है, किसी कोर्स का, मान लो कि आपका आयुष का कोर्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका बीएएमएस हो गया, आपका यूनानी हो गया, आपका सर्जरी वाला हो गया, आपका योगा हो गया, होम्योपैथिक हो गया, इसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया, तो इनके अंदर एडमिशन लेने के बाद वो बॉन्ड फीस होती है। बॉन्ड फीस का मतलब ऐसी फीस होती है जो आपको कॉलेज के साथ, अगर आप छोड़ देते हैं किसी कॉलेज को, किसी कॉलेज में मान लो आपने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद आपने मान लो आपने बीएमएस में डाल दिया और फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएमएस में आपने डाल दिया और उसके अलावा आप नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ में, और साथ में नीट की तैयारी करते करते आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आपने साल दो साल जो पढ़ाई करी और वो नीट में आपने सिलेक्शन होने के बाद उसमें एडमिशन ले लिया और बीएमएस आपने छोड़ दिया, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां से आपका जो नाम है वो बस ऐसे ही खुद कट जाएगा, खुद वहां से आपका कैंसिल हो जाएगा, बल्कि वहां पर आपका जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो सब मेंशन है, वो वहां पर जब तक आप वहां से रजिस्ट्रेशन, अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं करा पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब वहां पे आपको बॉन्ड फीस जो है वो पे करनी होती है। ये बॉन्ड फीस क्या होती है, ये बॉन्ड फीस जो होती है कॉलेजों की अलग अलग होती है, 5,000 हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, लाखों में हो सकती है, करोड़ों तक के अंदर होती है बॉन्ड फीस। इसलिए यहाँ पे बैन का तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें आपको जो बॉन्ड फीस है उसमें आप फंस जाएंगे। तो अगर आपको अगर इस तरीके की कहानी करनी है, कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो बीओएमएस या बीएमएस में एडमिशन लिया और उसके बाद वो नीट की तैयारी करने लगते हैं, अगर आपको ऐसा करना है तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की बॉन्ड फीस जान लीजिए पहले। जैसे आपने बॉन्ड फीस जान ली, एग्जाम्पल के तौर पे किसी कॉलेज की हो सकता है 5,000-10,000 है, तो इस केस में आप वहां पे कर सकते हैं नीट की प्रिपरेशन और उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर ज्यादा फीस है तो आप वहां पर पहले ही एडमिशन ना लें, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। ये तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट ये था कि आपने नीट काउंसलिंग में चले गए और आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको एडमिशन वहां पे लेना ही है, अदरवाइज आप बैन हो जाओगे एक साल के लिए। दूसरा ये है कि आपने कॉलेज है, कॉलेज में एमसीसी की वेबसाइट पे गए, वहां पे इस तरीके से एडमिशन ले लिया और छोड़ दिया बीच में, यानी कि आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, कहने का मतलब है, तो भी आप बैन हो जाएंगे। और अगली बात ये जो है तीसरी, आयुष के कोर्स में मान लो आपने एडमिशन डाल दिया और नीट की तैयारी कर रहे हो, तो इसके अंदर अगर बात करें तो आपकी जो बॉन्ड फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका वहां से पीछा नहीं छूटने वाला। जी आगे बात करें इसके बाद, अब उन बात स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर आपने जैसे नीट का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम तो आपने दे दिया लेकिन काउंसलिंग नहीं कराई और अगली बार फिर से नीट देना है,
तो ऐसे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नो प्रॉब्लम। आप नीट का एग्जाम फिर से दे रहे हैं, काउंसलिंग मत कराओ अगर आपको लग रहा है तो, आप फिर से नीट का एग्जाम दे दीजिए और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके मार्क्स बेटर आ जाए, देन यू शुड गो फॉर नीट काउंसलिंग मींस एमसीसी काउंसलिंग। आगे बात करें इसके बाद, अब ऐसे स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट की तैयारी के साथ किसी कोर्स में उन्होंने ऐसे में एडमिशन ले रखा है जैसे बीएससी में डाल दिया। कहने का मतलब कोई ग्रेजुएशन है जनरल, इसी तरीके की ग्रेजुएशन है आपकी जैसे बीएससी हो गया, और कुछ स्टूडेंट जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं लाइक बीए के अंदर, मतलब इस तरीके के कोर्सेज में उन्होंने डाल दिया। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से इस तरीके का काम कर रहे हैं तो आप नीट की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं और बीएससी के अंदर भी आप साथ साथ परस्यू कर रहे हैं, तो वहां पर आपका, और बीएससी आप बीच में छोड़ देते हैं तो वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मतलब आप नीट के लिए फिर से एलिजिबल है। इस तरीके से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बीएससी जो है उसको भी परस्यू रख सकते हैं। आगे बात करें इसके बाद, अगर उन स्टूडेंट्स की, जैसे हमारे पास कह लीजिए कि भाई कोई स्टूडेंट है और वो नीट का एग्जाम दे रहा है और दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार भी उसने, पांच बार दे लिया, लेकिन फिर भी उसने काउंसलिंग नहीं कराई। ये भी क्वेश्चन मेरे पास आया है कि हम तो बार बार एग्जाम दे रहे, एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराई, तो कोई दिक्कत, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको जो मैंने बताया है सारे रूल्स, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये न्यू रूल्स है जो एनटीए के हैं जिनको आपको फॉलो करना ही होगा। और इसी के साथ साथ अगर न्यू रूल्स जो है वो चेंज होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे एक बात बताने वाली ये है जो आपको ध्यान देनी है जरा, अगर आपके स्टूडेंट मार्क्स जो है वो, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट इस प्रकार से बार बार आ रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स है वो सर 10 नंबर 5 नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या हम अगले साल के लिए नीट की तैयारी करें, क्या हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बी जो हमारे कोर्स है वो सेमी गवर्नमेंट के कोर्स होते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एमबीबीएस जाइए। अगर आपके जो नंबर है वो 10 नंबर 5 नंबर इस तरीके से कम रह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट कर ले। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके अंदर आपके जो कोर्स है, जैसे एमबीबीएस होगी, आपके बीडीएस होगी, इस तरीके से ये आपके बहुत सस्ते होते हैं, मतलब एमबीबीएस बीडीएस जो है वो आपके लगभग फ्री की तरह, यानी कि कहने का मतलब है गवर्नमेंट की तरह ही पढ़ जाते हैं और आपके नंबर थोड़े बहुत अगर कम रह जाते हैं, और अगर आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करते हैं, मान लो आपके 10 नंबर कम थे, तो हो सकता है अगले साल की, आप ये मान के चलिए अगले साल की जो मेरिट है वो आपकी 665 के आसपास मान के चलिए। इसलिए आपको यही बेहतर रहेगा कि आप अगर इस तरीके के नंबर कम है, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें 10 लाख में हो जाता है कंप्लीट, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, मतलब आपकी से ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनमें आप कर सकते हैं 20 लाख के अंदर, बढ़िया बढ़िया कॉलेज मौजूद होते हैं सेमी गवर्नमेंट के ऊपर। मैंने आपको पूरी वीडियो बना रखी है कौन से कॉलेज में आपको लेना चाहिए, कितनी फीस है, कहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे नहीं लिया तो अगले साल के लिए 665 आपकी मेरिट रेडी है, ऐसा आप मान के चलिए। लेकिन आपको यहाँ पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके नंबर और कम है, कहने का मतलब है, तो आप बिल्कुल नीट की जो प्रिपरेशन है उसको परस्यू कर सकते हैं। अब आपका चल रहा है ये अगस्त, आगे बचता आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में हो जाएगा एग्जाम। कहने का मतलब आपका 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने इस तरीके से, और 8 महीने का मतलब, कहने का मतलब है आपके पास 32 हफ्ते का समय है, और 32 हफ्ते में आपके चैप्टर लगभग 80 के आसपास आपके चैप्टर है, 79, आप इनके अंदर अगर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली अब से नीट को क्रैक कर सकते हैं। आज की वीडियो जो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं तो अभी से आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, देन यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली, और आप हमारी चैनल से केमिस्ट्री की हेल्प ले सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।